अब हम जानते हैं हार्ट अटैक से बचने के घरेलू उपाय और डाइट प्लान्स। पहला, नींबू का रस। नींबू के रस का सेवन हार्ट अटैक से जुड़ी हुई बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। इसके लिए पानी में नींबू को निचोड़ ले और इसका सेवन करें। कुछ दिनों तक नियमित रूप से इसका सेवन करने से दिल की बीमारी से राहत मिलती है और दिल में जमी हुई गंदगी भी साफ हो जाती है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है। दूसरा, फलों का सेवन करें। अपने आहार में फलों को ज़रूर शामिल करें। ये शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए सेब यानि एप्पल, अनानास यानि पाइनएप्पल, मौसम्बी और लीची आदि का सेवन करें। तीसरा, दूध और आंवला। दूध में आंवला मिलाकर सेवन करने से भी दिल से संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए दूध में पिसा हुआ आंवला घोल ले और दिन में कम से कम 2 बार इस तरह बने घोल का सेवन करें। इस प्रयोग को करने से दिल के रोगों में लाभ मिलता है। चौथा, लौकी का सेवन करें। लौकी का सेवन भी दिल के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। वैसे तो लोग इसका जूस भी पीते हैं। इसके अलावा लौकी को उबालकर उसमें जीरा, हल्दी और हरा धनिया डालकर कुछ देर पका ले और इसका सेवन करें। इसके सेवन से दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है और दिल को हार्ट अटैक की बीमारी से बचाया जा सकता है। पांचवा, लहसुन यानी गार्लिक का सेवन। लहसुन का सेवन हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए लहसुन की 2 कलियां ले और रोज़ाना सुबह के समय खाली पेट पानी के साथ निगल जाए। इस प्रयोग से दिल स्वस्थ रहता है और हार्ट अटैक का खतरा कम किया जा सकता है। छठवा, गाजर यानी कैरोट का सेवन करें। गाजर का सेवन भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। आप चाहे तो इसको सलाद में शामिल कर सकते हैं या फिर इसके जूस का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गाजर की सब्जी बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। गाजर हर तरह से आपके दिल के लिए फायदेमंद होता है। सातवां, बादाम का सेवन करें। बादाम की अगर बात करें तो ये कई तरह के विटामिन्स और फाइबर से भरपूर है, जिससे ये दिल के रोगों के लिए अच्छा माना जाता है। इस तरह अगर आप दिन में कम से कम 2-3 बार बादाम का सेवन करते हैं तो इससे आप दिल के संबंधित रोगों को दूर कर सकते हैं। आठवां, देसी गाय का घी। देसी गाय के घी का सेवन दिल को मजबूत बनाने में बेहद फायदेमंद साबित होता है। इसके लिए देसी गाय के घी के साथ गुड़ मिलाकर खाने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है और ये केवल दिल को नहीं बल्कि पूरे शरीर को मजबूत बनाता है। नौवां, शहद का सेवन करें। शहद का सेवन भी दिल को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके लिए आप रोज़ाना शहद का सेवन करें। इसके अलावा आप चाहे तो गाजर के रस में शहद को डालकर सेवन करें। ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी और दिल की बीमारी को दूर करने में मदद करेगी। दसवां, उड़द की दाल।
उड़द की दाल भी हार्ट अटैक की संभावना को कम करने में मदद करती है। इसके लिए 50 ग्राम उड़द की दाल ले और उसमें रात को सोने से पहले पानी में भिगोकर रख दे। सुबह इसे पानी से निकालकर पीस ले और आधा ग्लास दूध में मिलाकर मिश्री घोलकर इसका सेवन करें। इस प्रयोग के द्वारा दिल का दौरा पड़ने की संभावना को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। 11वां, आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा भी दिल के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आंवले के मुरब्बा का सेवन करें। इससे हार्ट अटैक की बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है। भोजन करते समय अपने आहार में दही को भी शामिल करें, इससे भी आपके दिल को राहत मिलेगी। और सबसे मेन बात, अगर आपको दिल के संबंधित बीमारी से बचना है तो प्लीज़ धूम्रपान बिल्कुल भी ना करें, इससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमारे आज के टिप्स आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।